सड़कों पर तिजारत करने वाले छोटे व्यापारियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 10,000 रुपए का लोन का प्रोग्राम आज KHK गार्डन आसिफ नगर जिर्रा में अमल में आया। इस प्रोग्राम के जरिए छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में हल्का नामपल्ली के मौजिस MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब और साबिक अमीर जनाब माजिद साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतहरिक कॉर्पोरेटर जनाब मोइन साहब मौजूद थे। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रोग्राम के जरिए किन गरीब तबके के आवाम और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ और सबाहत की एक खास रिपोर्ट। इंशाअल्लाह ताला असेंबली चालू है, असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों की भरपूर नुमाइंदगी करेगी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल जो भी मसाइल रहेंगे उसको डटकर मुकाबला करके ये हुकूमत से मसाइल को हल कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है क्योंकि मुखालिफीन मजलिस कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ये कहता है कोई वही कहता है, मगर मजलिस आपके जरिए से क्या काम करती है वो मालूम है। अगर फर्ज करो मैं कोई चीज 100 करा, अगर एक कोई आदमी एक करा, एक की फोटो बता के आपके 100 को अगर आप डाइल्यूट कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी बदकिस्मती है। जो इंसान काम करता है वो इंसान ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, जो इंसान काम नहीं करता है वो आदमी ज्यादा पब्लिसिटी करता है। अगर कोई आदमी पैसे नहीं रहते परेशान हाल रहता है तो वो इंसान ये कहता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा। जो आदमी जिस चीज से महरूम रहता है उसकी बात ज्यादा करता है। अल्लाह सुबहाना व तआला आप लोग के हाथ में तमाम चीज दिया है, सलाहियत दिया है, लोगों का काम करते हैं, हर वो तकलीफ को दूर करते हैं। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं अल्लाह का करम है कि जिस जगह पे भी जाते जमात की इतनी बड़ी इज्जत है कि अगर जमात कह देती है तो काम ना नहीं होता है, अगर काम में रुकावट आती है तो नकीब मिल्लत खुद और हबीब मिल्लत खुद सामने से नुमाइंदगी करके वो काम कराते हैं। तो मैं क्योंकि मुझे दूसरी जगह टाइम नहीं था तो मैं माजिद हुसैन साहब को ये कहना चाहता हूँ, बलकापुर नाले के लिए हुकूमत तेलंगाना की से नसीब मिल्लत ने खासतौर से लड़के 40 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन कराए हैं। अभी मैं 3:30 बजे मेरी ऑफिस पे प्रोजेक्ट वालों को बुलाकर मीटिंग ले रहा हूँ। ये 40 करोड़ की लागत से बलकापुर नाला ठीक होने जा रहा है। तो ये ऐसे तमाम काम रहते हैं जो हम आगे बढ़ के करते हैं। ये बात अलग है, बातचीत के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कोई गुत्तेदार काम लेता है उन्हें डिले करता है या कोई गुत्तेदार बदमाश होता है या कभी टेंडर प्रोसेस के अंदर कोई ऑफिसर की क्वाहली से कोताही से काम में डिले होता है, मगर आप लोग का ताउन में इंतहा जरूरी है। आप लोग की तरफ से ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा आप लोग हैं। मैं भी जमात का एक ऐसा वर्कर हूँ जिस तरीके से आप हैं। आप लोगों ने ही मुझे चुन के यहाँ पर भिजाया है जमात की तरफ से, तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं MLA, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA हूँ, आप लोगों के जरिए से अल्लाह ने मुझे बनाया है जमात की तरफ से, मगर मेरा प्रोटोकॉल वहाँ पे है। आपके साथ तो मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच में रह के काम करना चाहता हूँ और आपके बीच में रह के काम को कराने की कोशिश करना चाहता हूँ। आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इतना जरूर बोलता हूँ, नामपल्ली की टीम बहुत स्ट्रांग है, नामपल्ली की टीम बहुत स्ट्रांग है, हमको कोई अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। इतना मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अल्लाह का करम यह है, बुजुर्गों की हमारे ऊपर खास दुआएं हैं कि हम कभी भी बोलते नहीं है, जो सबको मालूम है जो बोलता है कुछ करता नहीं है तो उसके लिए छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम का आगाज करें हैं, इसको सक्सेस करना आप तमाम की जिम्मेदारी है, मुस्तहिक को स्कीम दिलाना ये आपके लिए बेहतर है, इसका भी आपको अजर मिलेगा। मैं फिर एक मरतबा फर्दन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने जो कीमती वक्त दिया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर आप हम मिल के जरूर बजरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस तरीके से हम आगे बढ़ाना है उसकी भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।